नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश, आपका अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एलपी टेक्नीशियन मेडिकल टेस्ट 2019 के बारे में बताने वाले फ्रेंड जिन कैंडिडेट का कलर ब्लाइंडनेस जिन कैंडिडेट का कलर ब्लाइंडनेस आई प्रॉब्लम हो, इस वीडियो को ज़रूर और पूरा देखें फ्रेंड, नहीं तो आपको हो सकती है परेशानी भी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, कैसे होगा मेडिकल टेस्ट, पूरी जानकारी देने वाले फ्रेंड। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए, जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और कोई परेशानी होगी तो फ्रेंड तो आपको पता चल जाएगी कि परेशानी में कैसे हल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों उसको लाइक करना ना भूलें फ्रेंड। तो लाइक एकदम फ्री है फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और वीडियो हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड और बेल आइकन को प्रेस करें, तो रेलवे से संबंधित कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले लेकर आते हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे में है जो 6 कैटेगरी का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 का होता है। जी हाँ फ्रेंड, 6 कैटेगरी होता है, लेकिन इस बार जो है एलपी और टेक्नीशियन में आपका 4 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है, A1, B1, B2, C1। जी हाँ दोस्तों, 4 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसमें से एलपी का, जी हाँ दोस्तों, एलपी का जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है दोस्तों, एलपी का, बाकी टेक्नीशियन का B1, B2, C1 है फ्रेंड। ये आपका है, आपका एलपी में A1 है, जिससे दोस्तों 6x6 आई और कलर ब्लाइंडनेस तो एकदम होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका 6x6 आई और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपका एलपी का मेडिकल स्टैंडर्ड कंफर्म क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हाँ फ्रेंड, आपको इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं फ्रेंड कि मेडिकल स्टैंडर्ड में दोस्तों आई प्रॉब्लम छोड़ के, जी हाँ दोस्तों, आई प्रॉब्लम आपका छोड़ के और कोई भी प्रॉब्लम हो, आई प्रॉब्लम दोस्तों आँख के बारे में, आँख की बीमारी छोड़ के आपका कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, रेलवे किसी को नहीं छाटेगी। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात कंफर्म कर ले कि आपको रेलवे आई प्रॉब्लम छोड़ के कोई भी बीमारी आपका शरीर में है उसमें रेलवे आपको नहीं छाटेगी, दोबारा मौका देगी, तिबारा मौका देगी दोस्तों, आपको आप रेलवे नहीं छाटेगी। देखिए फ्रेंड, रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड 6 कैटेगरी के होते हैं फ्रेंड, और कोई ना कोई कैटेगरी आपको 100% मिल जाएगी फ्रेंड। जो सबसे रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होता है आपका वो आँख प्रॉब्लम, जिस दोस्तों आई प्रॉब्लम ही रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज़ आँख पे ही टिका हुआ रहता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी आपका जो है कुछ भी हो, आपका कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत वाली हो नहीं फ्रेंड, तो आपका जो है जनरल फिटनेस आप लोग पार कीजिएगा। आपका सबसे बड़ी बात है आई, तो आई प्रॉब्लम में देखिए दोस्तों क्या क्या होने वाला है। आई में भी दोस्तों आपका दो है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका कलर बनाए दोस्तों, सबसे रेयर केस वाले यही कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट होते हैं जिनको रेलवे छाड़ती है दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट यदि आप लोग हैं तो प्लीज़ एएलपी में नहीं जाएं। बहुत फ्रेंड होंगे जिसका आई 6x6 है, उन्होंने साइको का एग्ज़ाम दिया है, जी हाँ फ्रेंड, आप लोग ने साइको का एग्ज़ाम दिया है कलर ब्लाइंडनेस वाले, तो एएलपी में नहीं जाए फ्रेंड। बहुत फ्रेंड होते हैं बुक पढ़ के चल जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड, बुक पढ़ के जाने के बाद भी आप लोग को इतना टेस्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख लीजिए, A1 कैटेगरी में फील्ड विजन, नाइट विजन, मेसोफिक विजन, ये सब आपको जो होगी तो बुक पढ़िएगा, लैंटेन वाला आपका टेस्ट हो जाएगा, आप लोग छाड़ जाइएगा फ्रेंड। तो प्लीज़ A1 कैटेगरी में, एएलपी में तो आप लोग नहीं भी जाएँ, आप लोग पास भी हो जाते हैं तो आपको जान का रिस्क है, क्योंकि आपको ट्रेन चलाना पड़ता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, तो आप लोग एएलपी के लिए तो नहीं ही जाएँ। हाँ, अब जहाँ तक बात ही आती है आपका इधर टेक्नीशियन वाले फ्रेंड, तो टेक्नीशियन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमारी हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आई आपका आई आँख में चश्मा लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, आपका मेडिकल फिटनेस 100% होगी। 6x9, 6x12 आपका है, देखिए आई में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है आँख में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका B2 ही लिख लीजिए, तो 6x9, 6x12 आपका आई विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस आपका पावर 4 डिप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आपका देखिए 6x18 भी है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है फ्रेंड, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर देगी। जहाँ दोस्तों, आप लोग जान भी करते हैं, यदि आपके बड़े भाई या अभी पुराने दोस्त कोई आपका एग्ज़ाम दिया है मेडिकल का, तो आपको बताते हैं कि रेलवे की अंदर जो होती है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको कैसे क्लियर किया जाता है आप लोग मालूम है दोस्तों, रेलवे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत करके उधर उधर से समझ ही रहे पार हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहना चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये दो कैटेगरी, देखिए ये दो कैटेगरी आपका जो है B2 और C1, ये दो कैटेगरी में देखिए, यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ 6x9, 6x, थोड़ी सी आँख खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जो है
इसमें कलर बनारस मांगा ही नहीं है, बीटू और सीवान में दोस्तों कलर बनारस नहीं मांगा है। तो आपको इसमें देखिए दोस्तों, रेलवे मेडिकल में किसी को नहीं छाड़ती है। जी हाँ फ्रेंड, रेलवे मेडिकल में किसी को नहीं छाड़ती है। तो कलर बनारस है तो बीटू सीवान के लिए आप टेक्नीशियन पोस्ट में एलिजिबल है फ्रेंड, और कलर बनारस नहीं है तो आप B1 के लिए टेक्नीशियन वाले एलिजिबल है। RALP वाले के लिए तो 6x6 और कलर बनारस तो एकदम रहना ही नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड, कुछ कुछ फ्रेंड का 6x9 भी है यदि ALP में, तो देखिए फ्रेंड उनका भी रेलवे ले ही लेती है। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड में यदि वहाँ डॉक्टर जो चेकअप करते हैं उनका भी कुछ 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 कैंडिडेट का ले लिया जाता है। वहाँ पर आप मेडिकल टेस्ट दीजिएगा दोस्तों, तो आप लोग वहाँ पर जाइएगा तो पूरा आप लोग को प्रोसेस मालूम चल जाएगा कि आपका A1 कैटेगरी के रहने वाले सिर्फ कलर बनारस नहीं रहना चाहिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप देखिए, आपका कोई भी बीमारी हो मेडिकल आप लोग पास हो जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई बीमारी हो मेडिकल पास हो जाइएगा। आपका A1 हो, B1 हो, B2 हो, C1 हो, थोड़ी बहुत आँख में प्रॉब्लम हो, 6x6 नहीं है तो भी पास हो जाइएगा। ALP के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, ALP में 6x9 भी हो फ्रेंड आप लोग जाइएगा तो 100% बताते हैं आप लोग का पास भी कर देगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत स्टूडेंट जो है साइको के एग्ज़ाम में, हमको मालूम है बहुत स्टूडेंट आपका जो है साइको के एग्ज़ाम में डुप्लीकेट जो है आपका डॉक्टर से कंसल्ट करके 6x6 का आपका सर्टिफिकेट बना के साइको के एग्ज़ाम में दिए हैं। दोस्तों आप लोग भी मालूम है कौन कौन दिए हैं और हमको भी मालूम है कौन कौन दिए हैं। तो दोस्तों दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 6x9 है, जीरो जिसको बोलते हैं -0.25 आपका है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आपको ALP के लिए आपको नहीं छाटेगा, डॉक्टर लोग भी जानते हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ दोस्तों, बस कलर बनारस नहीं होना चाहिए। दोस्तों कलर बनारस है तो प्लीज़ आप नहीं जाएँ, टेक्नीशियन में आप जरूर जाएँ, टेक्नीशियन में आपका सिलेक्शन 100% होगी दोस्तों। आई आ यदि चश्मा लगा है, कलर बनारस है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको जो है B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगी दोस्तों। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे फ्रेंड, और हमको उम्मीद है कि आपको हम कमेंट का रिप्लाई देंगे फ्रेंड, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट लिखा। जिन जिन कैंडिडेट का आपका आया है तो प्लीज़ थोड़ा अब आई और आँख में जो है अब मेडिकल को जरूर आप हॉस्पिटल में जाके मिले, डॉक्टर से मिले फ्रेंड, और जाने से पहले आपका जो है कान वन साफ़ करवा लीजिएगा फ्रेंड, तो काफ़ी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। एनी प्रॉब्लम प्लीज़ नीचे कमेंट करें। दिखिएगा दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।